वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने की इंट्रोडक्शन अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें कि मैंने आपको सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे सीरियल कम्युनिकेशन काम करता है, पैरेलल कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। जस्ट लाइक उसी का एक मैं पार्ट बना रहा हूँ जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ सीरियल कम्युनिकेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल कम्युनिकेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, सो दैट की दिस वीडियो इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ डिजाइन डोमेन। सो दैट की अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वीडियो को देखना आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे, क्योंकि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें करूँगा अबाउट द मॉड प्रोटोकॉल। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा दैट इज़ अबाउट द सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसके हम बोलते हैं मॉड बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगर आप एक इंटरेस्ट रखते हो इंडस्ट्री के फील्ड में काम करना, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन को करना, अगर मैं बात करता हूँ बेसिक मॉडबस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन अगर मैं देता हूँ फर्स्ट में कि व्हाट इज़ अ इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो मॉडबस का मतलब बेसिक होता है कि सपोज करो आपको एक ट्रांसफार्मर से डेटा को लेना है, ठीक है, सेंसर से डेटा को लेना है, RS-485 के थ्रू आपको डेटा को रीड करना है, किसी इन्वर्टर से आपको डेटा लेना है, मतलब आपको डेटा को रीड करना, दैट इज़ कॉल्ड द मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। डेटा तो हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ डेटा रीड करने का, तो हमारे पास वेरियस ऑप्शन है, बट इंडस्ट्री लेवल पे हम जो बात करते हैं वो बात किसके बारे में करते हैं, अबाउट द मॉडबस के कम्युनिकेशन को ही हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉडबस कम्युनिकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वेराइटीज ऑफ थिंग्स हैं, जहाँ पे कि ईजिली आप मॉडबस के हेल्प से टू वायर के आप हेल्प से अपने क्या कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, हेवी डेटा को रीड कर सकते हो, मैं बात करूं तो 1000 kV को आप डेटा को रीड कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रांसफार्मर में 440 kVA का ट्रांसफार्मर से आप डेटा को रीड कर सकते हो यूजिंग द मॉडबस कम्युनिकेशन की कितना जनरेशन हो रहा है बेसिक। सपोज अगर मैं करता हूं एक इंडस्ट्री में अगर बात करता हूं, एक मेरे पास एक सब स्टेशन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल का सब स्टेशन है, जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिक सब स्टेशन में जनरेशन नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। सो वहां पे हमारा क्या होता है कि हमारा जितना ज़्यादा जनरेशन हो रहा है उन सभी का डेटा रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कॉल्ड हम जो यूज़ करते हैं वो मॉडबस कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल के हेल्प से हम उसे रीड करते हैं, ठीक है, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। सो आज के वीडियो में यही सब चीज़ों के बारे में बात होगी, तो आशा करूँगा आपको इंट्रोडक्शन देख के समझ में आया होगा कि मैं किस तरह की बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर द नॉलेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर आप इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करेंगे, सबसे पहले मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। तो वीडियो को एंड तक आप देखना, पसंद आएगा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अबाउट द मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मैं भी जो बात करने वाला हूं दैट इज अबाउट द मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? सो मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने मॉडबस को इंट्रोड्यूस किया। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा व्हाई मॉडबस हैज बीन इंट्रोड्यूस, क्यों मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिक अगर मैं मॉडबस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो हमारे पास यहां पे दो चीजें देखी गई हैं, ठीक है, जो कि एक हमारा होता है दैट इज अबाउट द मास्टर, ठीक है, दैट इज अबाउट द मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होता है, जो भी स्लेव को, यानी जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिसे मुझे डेटा को लेना है, डेटा को
रीड करना है तो मास्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन भेजेगा, किसे भेजेगा, स्लेव को भेजेगा, यानी हमारे जो डिवाइसेस जिसे मुझे रीड करना है डेटा को, उसे ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे तुम डेटा को ला करके दो, तो वो मास्टर हमारा कहलाता है। मास्टर की अगर मैं एग्जांपल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करता हूँ तो हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो आपने PLC का नाम सुना होगा, दैट इज़ अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो हमारा एक PLC हमारे एक मास्टर की तरह काम कर सकता है। वेयर एज अगर मैं स्लेव और अगर मैं मास्टर में और अगर बात करता हूँ तो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो वर्क एज एन अ मास्टर। माइक्रो कंट्रोलर भी क्या करता है, मास्टर का काम करता है। मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा को भेज रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें, हमारे इन डिवाइसेस को जिससे मुझे डेटा रीड करना है, वो कहलाता है मास्टर। एक और हमारा सेकेंडरी साइड होता है, दैट इज स्लेव। दैट इज क्या होता है हमारा स्लेव। सो स्लेव में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से भी मुझे डेटा को रीड करना है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मर से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, हम सेंसर से क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। और अगर बात करता हूँ तो हमारे इन्वर्टर से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। और हम बात करें तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, लाइक DSO, आपके पास DSO आप यूज़ करते हो, डैट इज़ डिजिटल ऑसिलोस्कोप। सो डिजिटल ऑसिलोस्कोप से भी आप क्या करते हो, डेटा को रीड करते हो, और जहाँ से आप डेटा को रीड करते हो वो हमारा बनता है स्लेव। अब बात ये आती है, जैसा कि मैंने बताया क्यों हमने इस बात को रखा कि हमें इंट्रोड्यूस क्यों किया गया मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। हम और भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते थे, लाइक I2C यूज़ कर सकते थे, लाइक SPI यूज़ कर सकते थे, बट वाई आई एम गोइंग टू द अबाउट द माई मॉडबस कम्युनिकेशन, बिकॉज मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो काम कर रहा है बेसिक यहाँ पे, वो हमारे हेवी इक्विपमेंट के लिए वर्क करता है। ठीक है, किसके लिए वर्क करता है, ये हेवी इक्विपमेंट के लिए वर्क करता है। हेवी इक्विपमेंट के लिए हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है, जो हमारा एक मॉडबस होता है। बेसिक अगर आप बात करोगे मास्टर और स्लेव का, तो आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि जो हमारा मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट है वो हमारा SPI कम्युनिकेशन भी होता है। बट SPI कम्युनिकेशन में हम लोग बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग द सिग्नल, लाइक 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 36 वोल्ट तक भी हम काम कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं हेवी वोल्टेज की, लाइक अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, तो ट्रांसफार्मर हमारा होता है बेसिक किलो वोल्ट में। उसी तरह से हमारा इन्वर्टर भी जो होता है, दैट इज़ किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, इस तरह के ये क्या करता है, वोल्टेज देता है, या जनरेटर हमारा जनरेट करता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो हेवी इक्विपमेंट के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मॉडबस। इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि जो हमारा मॉडबस होता है बेसिक, वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें हेवी इक्विपमेंट की डेटा को रीड करना होता है, डेटा की एनालिसिस करना होता है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा सा बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो ये ऐसा सीन था यहाँ पे कि जो मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को लाने वाला कंपनी था, दैट इज़ मोडिकॉन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। बस हुआ क्या यहाँ पे कि जब मोडिकॉन ने इसे डिज़ाइन किया तो कुछ टाइम तक इसे यूज़ किया गया, बट आफ्टर सम टाइम इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाई स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने इसे एक्वायर किया। स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने क्या किया, इसे एक्वायर किया। क्यों, यहाँ पे एक चैलेंजेस देखने के लिए मिला था जब हम स्टार्टिंग के फेजेस में मॉडबस कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे थे। क्यों, हो क्या रहा था कि ये जो मेन फोकस हमारा था इसे लाने का मार्केट में, वो था हमें PLC से डेटा को रीड करना था। तो PLC से डेटा को रीड करने का क्या मतलब था, हमारे पास मार्केट में जो PLCs अवेलेबल थे वो अलग अलग प्रकार के थे, लाइक आपके Allen-Bradley के हैं, Allen-Bradley के PLC थे, डेल्टा के PLC थे, सीमेंस के PLC थे, इस तरह के PLC आपके पास, L&T के PLC अवेलेबल थे मार्केट में, ABB के PLC अवेलेबल थे। तो इन सभी PLCs के क्या होते थे, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते थे। सो दैट किसे क्या किया गया कि जो हमारा कंट्रोलर यहाँ पे जो PLC काम करती थी वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा था PLC। सो इस कंडीशन के बाद क्या किया गया, मोडिकॉन ने इस चीज़ को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाई। तो क्योंकि मोडिकॉन जब इस प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये था क्लोज सॉफ्टवेयर,
क्लोज मतलब नॉट फ्री था, ये क्या था, फ्री नहीं था, ठीक है, मतलब इसको यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता था, ये दैट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर था, या पेड ये कह सकता हूँ मैं कि एक आर्किटेक्चर था जो कि मोडिकॉन के द्वारा था, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग PLCs के साथ, क्योंकि मेजर जो इसका मेन पर्पज़ था वो था PLC के साथ प्रोग्रामिंग करना। सो दैट आफ्टर सम टाइम जब इसे स्नाइडर ने एक्वायर किया तो इसे इसने क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, ओपन सोर्स इसने क्या कर दिया, इसने लागू कर दिया, है ना, इसने क्या किया, ओपन सोर्स में लागू किया, ठीक है। स्नाइडर ने ओपन सोर्स करने का मतलब क्या हुआ, इसने एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन किया जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो भी PLCs होंगे उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ करके काम कर सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज हमें मिला यहाँ पे देखने के लिए, जैसे कि मॉडबस कम्युनिकेशन मॉडबस प्रोटोकॉल को स्नाइडर ने एक्वायर किया। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब अगला पार्ट जो हमारा आता है दैट इज़ अबाउट द टाइप हम मॉडबस प्रोटोकॉल काम किस तरह से करता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। हमारा है क्या सेकंड पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग। सो वर्किंग के अगर बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि वर्किंग क्या होती है मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की, तो वर्किंग की अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के फंक्शनैलिटीज़ हैं बेसिक यहाँ पे, एक है हमारा मास्टर, ठीक है, एक क्या है हमारा, दैट इज़ मास्टर। मास्टर में क्या हो सकता है हमारा, PLCs हो सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी हमारा जो होता है पार्ट वो क्या होता है हमारा, एक स्लेव होता है, क्या होता है, एक स्लेव होता है। स्लेव बेसिक क्या हो सकता है हमारा, स्लेव हमारा हो सकता है ट्रांसफार्मर हो सकता है, या हमारा इन्वर्टर हो सकता है, ठीक है, या हमारा इन्वर्टर हो गया, हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गए, सेंसर्स हो गए, ये सभी हमारे क्या हैं, स्लेव हैं बेसिक। अब होता क्या है बेसिक, जैसे कि मास्टर का काम बेसिक होता है टू सेंड रिक्वेस्ट टू द स्लेव, और मास्टर क्या करेगा, यहाँ से बेसिक स्लेव को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक इंस्ट्रक्शन सेट करता है, सेंड करता है, ये क्या करता है बेसिक, रिक्वेस्ट करता है, किसे करता है, स्लेव को करता है, यूजिंग द फंक्शन कोड। आपने नाम सुना होगा किसका, यूजिंग द फंक्शन कोड, यूजिंग द फंक्शन कोड एंड एड्रेस, ठीक है, क्या करता है ये बेसिक, रिक्वेस्ट सेंड करता है स्लेव को, क्या, किस फॉर्म में, फंक्शन कोड और एड्रेस के फॉर्म में, ठीक है। अब सेकेंडरी जो हमारा पार्ट होता है वो होता है स्लेव का, डेटा इसने भेजा, अब क्या करेगा, स्लेव डेटा मास्टर को देगा तभी तो यहाँ पे मास्टर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, मास्टर ने स्लेव को डेटा दिया, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, अब ये फंक्शन कोड पे डिफाइन करेगा। सो फंक्शन कोड एंड एड्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो फंक्शन कोड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को भेजेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर, अब स्लेव में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और उस डिवाइसेस के हेल्प से हम क्या कैसे पता करेंगे कि मास्टर को कौन सा स्लेव का डेटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं कनेक्टेड, और जब मल्टीपल स्लेव होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्लेव का डेटा मुझे रीड करना है। तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिक स्लेव आईडी, हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिक स्लेव आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, स्लेव आईडी, और इसे और मैं बोलूँ तो आप इसे बोल सकते हो यूनिक आईडी, यूनिक आईडी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक स्लेव का एक डिफरेंट आईडी होता है, क्यों होता है एक डिफरेंट आईडी, जैसे सपोज़ करो कि आपके पास चार बॉक्स हैं, ठीक है, या सपोज़ करो आपके पास चार तरह के पेन हैं, ठीक है, तो इसे आप नाम दोगे पेन वन, इसे नाम दोगे पेन टू, इसे नाम दोगे पेन थ्री, और इसे नाम दोगे पेन फोर, या इसे आप ब्लैक कर सकते हो कि ये मेरा ब्लैक पेन है, ये हमारा रेड पेन है, ये हमारा ब्लू पेन है, ये हमारा ग्रीन पेन है, ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह के हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, ये सब हमारे क्या हुए, एक अलग तरह का क्या हुआ, आइडेंटिटी हमारा हुआ। अगर मैं दो पेन ब्लू अगर कर दूं कि सपोज़ करो ये मेरा P1 एंड P2 जो है वो क्या है, मेरा ब्लू है,
तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे को ब्लू पेन चाहिए, तो इन दोनों में से आप कौन सा पेन दोगे? हो सकता है कि इसकी फंक्शनैलिटी ये जेल पेन हो और ये हमारा पेन दैट इज़ बॉल पेन हो। तो अब मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे कौन सा चाहिए, मैंने केवल ब्लू पेन मेरे को चाहिए, तो अब क्या करोगे, अब ब्लू में से मुझे कौन सा दोगे, जेल पेन दोगे या बॉल पेन दोगे? सो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक कंडीशन बोल सकता हूँ कि मेरे को ब्लू पेन विथ जेल वाले चाहिए, मेरे को जेल में एक ब्लू पेन चाहिए, तो वो फिर क्या होगा, एक इस आइडेंटिटी को उठाएगा और मुझे वो देगा। सो दैट कि वही यहाँ पे होता है कि हमारा स्लेव आईडी बेसिक डिफाइन करता है क्या, जो हमारा स्लेव होता है, स्लेव आईडी डिफाइन करते हैं कि हमें किस स्लेव का डेटा चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि स्लेव ने, मास्टर ने क्या किया, बेसिक स्लेव को रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस पर्टिकुलर स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए। सपोज करूँ मैं यहाँ पे एक डिफाइन करता हूँ दैट इज स्लेव आईडी 1, तो मैंने क्या किया, एक स्लेव आईडी यहाँ पे 1 डिफाइन किया, मैंने स्लेव आईडी एक 1 पे क्या किया, मैंने डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया। तो अब इस मैंने इसे रिक्वेस्ट किया, अब क्या करेगा, इसने उस चीज़ को एनालिसिस करेगा, बट एनालिसिस कहाँ करेगा, तो एनालिसिस वो करेगा एड्रेस में। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, एक ये होगा और दूसरा क्या होने वाला है, एड्रेस, किस एड्रेस पे इसका मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, किस एड्रेस का मुझे डेटा चाहिए, तो वो हमारा कौन डिफाइन करेगा, दैट इज़ एड्रेस। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मास्टर ने रिक्वेस्ट किया स्लेव को कि मुझे ये इस स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए। स्लेव ने क्या किया बेसिक यहाँ पे, ठीक है, स्लेव ने क्या किया बेसिक यहाँ पर, रिस्पॉन्स दिया, क्या दिया बेसिक, रिस्पॉन्स दिया। स्लेव ने क्या प्रोवाइड किया बेसिक, यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, मास्टर को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो बेसिक ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे शो करेगा मास्टर को, तो मास्टर के पास दोनों तरह के डेटा आ चुके हैं। ठीक है, मास्टर के पास क्या हो गया, दोनों तरह के डेटा हमारे पास आ चुके हैं। मास्टर ने जो रिक्वेस्ट किया था, तो मास्टर के पास एक यूनिक स्लेव आईडी होगी कि इस स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए, और उसके पास एक रिस्पॉन्स आ गई। सपोज करो इस रिस्पॉन्स पे जो डेटा आई है दैट इज़ 1, 2, 3, 4। लेट से मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास ये एक क्या आई है, डेटा आई है, ये हमारे पास डेटा ही है। तो मास्टर के पास आपके पास क्या हुई, मास्टर के पास आपके पास एक स्लेव आईडी हुई और एक क्या हुई आपके पास, दैट इज डेटा। तो मास्टर के पास ये दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मास्टर के पास क्या हुई, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसमें जो आपका डेटा होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा डेटा किस किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा है द फॉर्म ऑफ डेटा। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डेटा, कि हमारा जो स्लेव से बेसिक डेटा रीड हो रहा है वो डेटा किस फॉर्म में हो रहा है ना। तो देखो इसमें मैंने एक टेबल बेसिक बना के आपके लिए रखा है, क्योंकि मैं टेबल अगर बनाता तो फिर टाइम लगता टेबल ड्रॉ करने में, तो मैंने पहले बना लिया। ठीक है, तो अब देखो बेसिक हो क्या रहा है कि हमारा डेटा किस किस तरह का होने वाला है। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह का है, लाइक एनालॉग है या डिजिटल है। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे दो ही तरह का हो सकता है, एनालॉग में होगा या तो डिजिटल के फॉर्म में होगा। एक्सेस का मतलब यहाँ पे बेसिक हो रहा है कि उसका परफॉर्मेंस हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन रीड और राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हम या तो रीड कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। तो रीड का मतलब होता है कि हमें डेटा को वहाँ से लेके आना है, और राइट का मतलब होता है मुझे डेटा को वहाँ देना है जा करके। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा एक्सेस में होता है। साइज होता है कि वो डेटा का जो फॉर्मेट होने वाला है वो डेटा कितने किस फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक है, लाइक हमारा 1 बिट का है, 2 बिट का है, 4 बिट का है, 8 बिट का है, 16 बिट का है, कितना डेटा हमारा हो सकता है। उसी तरह से अब हमारा है एड्रेस। सो एड्रेस क्या होता है बेसिक, तो वो एड्रेसेस के बारे में दिया गया है कि जो हमारा भी, जैसे मैंने आपको जो लोकेशन बताई थी वो लोकेशन के बारे में बेसिक ये क्या करता है, डिफाइन करता है हमारा। ठीक है, उसी तरह से हमारा फंक्शन कोड। अब फंक्शन कोड हमारा क्या होता है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि फंक्शन कोड जो हमारा होता है बेसिक वो टाइप को डिफाइन करता है, कि फंक्शन कोड का मतलब कि क्या हमारा फंक्शन कोड होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से रजिस्टर टाइप जो है बेसिक, वो रजिस्टर टाइप हमारे एड्रेसेस को बताता है कि हमारा किस तरह का होने वाला है। जैसे कि सपोज करो, देखो यहाँ पे 3 है, जैसे कि सपोज करो हमारा जो फर्स्ट बिट है ऑफ एड्रेस है ये है हमारा 0, तो ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 1 है तो ये 1 है होगा इसका रजिस्टर टाइप, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। आप बोलोगे सर 2 क्यों नहीं आया, सो 2 नहीं आने का यहाँ पे रीज़न क्या है बेसिक, कि 2 का फंक्शन कोड हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिक ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक डेटा का फ्लो होता है। अब यहाँ पे ये आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार तरह के बेसिक होते हैं। अगर मुझे मैंने कोई कॉइल से डेटा ले रहा हूँ तो उसका जो आउटपुट होने वाला है वो डिजिटल होने वाला है, यानी डिजिटल आउटपुट। डी ओ मीन्स वो डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट अगर होगा और फंक्शन कोड अगर वन हमारा होगा, आप इससे रिलेट करो ऑब्जेक्ट, फंक्शन कोड एंड एक्सेस, मेजर, ये तीन चीज़ें हमारा। मेजर क्या है हमारा यहाँ पे, तीन चीज़ें, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक हमारा एड्रेस है और एक है हमारा फंक्शन कोड। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं हमारी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो अब देखो, कॉइल के फॉर्म में अगर हमारा डेटा होता है तो वो हमारा डिजिटल आउटपुट की कैटेगरी में आता है, और डिजिटल आउटपुट है तो हमें पता है ये चीज़ कि उसका फंक्शन कोड जो होगा 01 होगा और एड्रेस जो स्टार्ट होगा वो 00001 से लेकर के 0999 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बिट का डेटा है, तो 1 बिट का डेटा है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा 1 बिट से ही क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ होती है। अब उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, अब देखो ये कॉइल जो है हमारा डी ओ, इसका काम बेसिक क्या है, यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को परफॉर्म करा सकते हैं, आइदर रीड भी करा सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ से हम डेटा को ले भी सकते हैं, डेटा को दे भी सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटल आउटपुट जो आने वाला है। उसी तरह से हमारा जो सेकंड होता है, दैट इज़ डिस्क्रीट इनपुट। डिस्क्रीट इनपुट का मतलब हम DI बोल सकते हैं, बेसिक डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट जब होगा हमारा तो हमारी केवल और केवल हम उससे क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। अब यदि आपको स्लेप से डेटा को रीड करना है तो बेसिक आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे फंक्शन कोड, दैट इज 02। ठीक है, अगर मुझे डिजिटल फॉर्म में यूज़ करना है तो। ठीक है, एक आता है होल्डिंग रजिस्टर। होल्डिंग रजिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होल्डिंग रजिस्टर में मुझे एनालॉग आउटपुट चाहिए, और एनालॉग आउटपुट कहाँ से आपको मिलने वाला है, फ्रॉम सेंसर। आप सेंसर अगर यूज़ करते हो तो सेंसर से अगर आप डायरेक्ट डेटा लोगे तो आपको एनालॉग के फॉर्म में मिलेगा, लाइक टेम्परेचर आप देख लो, या आप ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज वगैरह मेजर करोगे तो आपको क्या, एनालॉग आउटपुट के फॉर्म में डेटा को मिलता है। यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन हैं आपके, रीड एंड राइट। ठीक है, रीड भी आप कर सकते हो, डेटा को राइट भी कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर हमारा आउटपुट का केस आता है, अगर हमारा आउटपुट है तो यहाँ पे हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, बट जहाँ इनपुट का केस आएगा वहाँ पे हम केवल क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। इनपुट मतलब हम डेटा को रीड कर रहे हैं, बट आउटपुट होगा तो हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारा एनालॉग इनपुट रजिस्टर के फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं, जब आप मॉड स्कैन, एक सॉफ्टवेयर है, मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ मॉड स्कैन। मॉड स्कैन जब आप यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप डेटा जाओगे स्लिप से रीड करने, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि आपका फंक्शन कोड क्या है, एड्रेसेस क्या है, आपके इनपुट रजिस्टर क्या है, किस तरह का एक्सेस आपको चाहिए। तो इनपुट रजिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा AI बेसिक यूज़ होता है, एनालॉग इनपुट। इनपुट रजिस्टर मतलब एनालॉग इनपुट, और एनालॉग इनपुट होगा तो केवल रीड करेगा, फंक्शन 16 बिट का होगा और इसका फंक्शन कोड 04 होगा। तो ये बेसिक हमारा था क्या, डेटा टाइप, मैंने डेटा का फॉर्म बताया आपको कि किस तरह के हमारा डेटा होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बताया, अब जो बात करेंगे वो बात आप क्यों करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉड बस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉड बस के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉड बस के बारे में। ठीक है, तो मॉड बस हमारे पास बेसिक तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मॉड बस की अगर मैं टाइप की बात करता हूँ, बेसिक कि अगर मैं टाइप के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मॉड बस कितने तरह के होते हैं, तो मॉड बस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा जो फर्स्ट वन है, दैट इज मॉड बस TCP/IP। ठीक है, सेकंड हमारा जो होता है दैट इज अबाउट द मॉड बस RTU, एंड थर्ड वन इज जो हमारा होता है दैट इज मॉड बस ASCII। ठीक है, ASCII होता है हमारा, ASCII बोलो। तो हमारे पास बेसिक तीन तरह के मॉड बस होते हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि तीनों का क्या क्या मतलब होता है, बेसिक हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन तीनों प्रोटोकॉल की। इसमें से जो अगर मैं बात करूँगा तो दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, टू ये हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज़ आवर क्या, हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बट इसके उतना यूज़ नहीं होता है तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। बट अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा, अगर आप डालोगे कमेंट में, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट ईपी और मॉडबस RTU को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताता हूँ कि मॉडबस TCP क्या होता है, मॉडबस RTU क्या होता है।
व्हाट इज मॉडबस टीसीपी? टीसीपी का मतलब होता है बेसिक हमारा ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे कि हम ईथरनेट के यूज़ से डेटा को ट्रांसफ़र मास्टर से स्लेव को रिक्वेस्ट करते हैं और स्लेव से हम डेटा ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास टीसीपी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हम एक आईपी के हेल्प से, ठीक है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा एक आईपी है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। सो बेसिक ये काम जो करता है हमारा एक लैन पे काम करता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल पे ये बेसिक हमारा काम करता है। तो मॉडबस की अगर बात करता हूँ टीसीपी पे, तो सपोज़ करो ये हमारा एक मास्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मास्टर है, और एक और है हमारा काफ़ी दूर डिस्टेंस पे जो कि है हमारा स्लेव, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करने वाले हैं, ईथरनेट। ईथरनेट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिक कि अगर मैं मॉडबस टीसीपी की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम मास्टर और स्लेव का वर्ड को यूज़ ना करके, क्योंकि अभी तक मैं मास्टर और स्लेव बता रहा था इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि हम इसे मास्टर और स्लेव बोलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली की अगर मैं बात करता हूँ, मैं टेक्निकल टर्म्स में जाता हूँ, तो मास्टर को हम लोग यहाँ पे एज अ सर्वर बोलते हैं कि हमारा ये सर्वर की है और ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है। तो हम मास्टर से क्या, सर्वर से क्या करते हैं, क्लाइंट से हम डेटा लेके आते हैं, कहाँ, सर्वर पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक काम ये होता है कि हम ईथरनेट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, क्लाइंट से हमारा जो सर्वर पे आएगा ये हमारा रिस्पॉन्स आएगा यूजिंग आईपी। हमारे एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के हेल्प से क्या आने वाला है, हमारा यहाँ से डेटा आने वाला है, ठीक है। तो ये क्लाइंट से डेटा हमारा कहाँ आएगा, एक सर्वर पे आएगा। तो हम क्या करते हैं ईथरनेट के हेल्प से, यानी लैन केबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूजिंग लैन केबल, हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूजिंग लैन केबल, ठीक है। यूजिंग हम क्या करेंगे, लैन केबल की हेल्प से, लैन केबल को हम बोलते हैं कैट 5 और कैट 6 केबल के नाम से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, लैन केबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिक इसे आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक क्या है, मॉडबस टीसीपी आईपी पे हम जिसे कि काम करते हैं, एक पर्टिकुलर हम क्या करेंगे उसे आईपी पे असाइन करेंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो 192.168.10.1 या इस तरह के हम क्या कर सकते हैं आईपी पे कर सकते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आईपी और टीसीपी आईपी के बारे में, क्योंकि हम आईपी किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से आईपी सेट करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा है क्या, मॉडबस टीसीपी के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो है हमारा मॉडबस आरटीयू का मतलब होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है, दैट इज रिमोट टर्मिनल यूनिट। हम इसे बोलते हैं नॉर्मली कि हम रिमोट मॉनिटरिंग के हेल्प से हम एक काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म यूज होता है, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर नहीं होता, यहाँ पे होता है बेसिक मास्टर और स्लेव। तो एक है हमारा मास्टर और एक है हमारा स्लेव, इन दोनों के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होता है, यूजिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे RS-485 या तो RS-232। हम इन दोनों केबल की हेल्प से क्या करते हैं, हम बेसिक मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, डेटा को रीड करते हैं। अगर मैं RS-485 की बात करता हूँ तो ये रेडिफ टू वायर होता है हमारा, यानी यहाँ पे केवल RX एंड TX होता है हमारा बेसिक। और अगर मैं बात करता हूँ 485 तो ये 5 पिन का हमारा 5 वायर का ये हमारा एक चैनल होता है, 5 वायर का हमारे पास ये चैनल होता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है अलग अलग पिन के बारे में। तो ये बेसिक हमारा था टाइप, मैंने आपको शुरू से बताया, मैंने टाइप को लास्ट में इसीलिए कवर किया कि आपको जब सारी फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएंगी तो लास्ट में आपके लिए ये आसान होने वाला है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो, अपना जो भी थॉट है उसको कमेंट करो। मैं आने वाले टाइम्स में और भी अमेजिंग वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ आपको, आपके लिए टेक्निकली, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, गुड बाय, थैंक यू।